अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम सी क्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस के कुछ नहायत ही इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़, जो कि ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम में यही रिपीट होते रहते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1, 2, 3 और 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर ऑल ये पार्ट्स जो हैं वो एक सीरीज़ में आपके सामने आ जाएंगे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, फंक्शन और अ मेथड दैट स्टार्ट्स रनिंग बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन या मेथड जो कि रन होना स्टार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं, एंट्री पॉइंट कहते हैं, ऐप मॉडल कहते हैं, या फिर विंडोज स्टोर एप्स कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन और मेथड जो कि रन होना स्टार्ट हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, तो उसे कहते हैं एंट्री पॉइंट। अगला एम सी क्यूज है, असेंबलर प्रोग्राम इज़ यूज टू ट्रांसलेट। असेंबलर जो है वो यूज़ होता है किसके लिए? ट्रांसलेट करने के लिए, बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, जावा लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, या फिर ऑल के लिए। तो असेंबलर जो है वो यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम्स। कौन सा है ऐसा जो कि फॉलोइंग में से जो रेफर करता है रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम, के वो डिस्प्ले करे इंफॉर्मेशन को रनिंग प्रोग्राम को? डेस्कटॉप है, डायलॉग बॉक्स है, मेन्यू है, या फिर विंडोज़ है? तो रेक्टेंगुलर एरिया जो कि डिस्प्ले करे इंफॉर्मेशन को या फिर रनिंग प्रोग्राम को, तो उसको हम कहते हैं विंडो। नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से किसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सी यू जो हैं, ए एल यू और सी यू कंट्रोल यूनिट, ये दोनों सेंट्रल प्रोसेसिंग का हिस्सा हैं और मेमोरी भी। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सी पी यू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। नेक्स्ट एम सी क्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, डम टर्मिनल्स जो हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग कहते हैं, मैसेज पासिंग कहते हैं, बैच एनवायरनमेंट कहते हैं, या फिर यूज़र एनवायरनमेंट। तो ऐसी टाइप ऑफ टेक्निक जिसमें डम टर्मिनल्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज़ है, द सेंट्रल प्रोसेसर और ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंसिस्ट ऑफ, जो सेंट्रल प्रोसेसर है मॉडर्न डिजिटल कंसिस्ट वो किस में करता है? रजिस्टर यूनिट में, प्राइमरी मेमोरी में, कंट्रोल यूनिट में, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास रजिस्टर यूनिट। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स लाइन ब्रेक टैग इन HTML, कौन सा इनमें से टैग जो है वो लाइन ब्रेक टैग के लिए यूज़ करते हैं हम HTML में? BR, A, Pre, या फिर B? तो लाइन ब्रेक के लिए हमेशा HTML में BR यूज़ करते हैं टैग। ठीक है, नेक्स्ट है X.500 यूज़ फॉर, X.500 किसके लिए यूज़ होता है? डायरेक्टरी एसेस, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के टॉप पे होता है और इसे डायरेक्टरी एसेस करते हैं। नेक्स्ट है जावा इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज। ठीक है, जावा जो है एक डायनेमिक लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस, इनमें से कौन सी है जो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, MS Word। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस जो है वो हार्डवेयर डिवाइस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, बट MS Word जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते। अगला एम सी क्यूज़ है, द जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको क्या कहते हैं? हेरास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम लेटेंसी मीन्स, टाइम लेटेंसी का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ अ डाटा पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम वन नोड टू अनदर, टोटल टाइम जो लगता है डाटा पैकेट को कि वो एक नोड से दूसरी नोड पे डाटा को ट्रांसफ़र कर सके, तो उसको कहते हैं टाइम लेटेंसी। आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम वी गेट, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ पे लगाएं प्रॉब्लम के ऊपर, तो फिर हम क्या गेट करते हैं? 100% रिजल्ट, एस्टिमेटेड रिजल्ट, या फिर रॉन्ग वैल्यू? तो हम एस्टिमेटेड रिजल्ट
हमेशा जो हैं वो गेट करते हैं, ना कि 100% रिजल्ट। 100% रिजल्ट कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता, इसलिए एस्टिमेटेड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इनमें से कौन सा है जो पार्ट नहीं है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का? टेस्टिंग प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेस्ट डिज़ाइन या फिर टेस्टिंग क्लियर। तो जो टेस्टिंग प्लानिंग है, पहले टेस्ट को प्लान करते हैं, फिर टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं, फिर टेस्टिंग का क्लियर होता है। जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो जो है STLC में नहीं आता, वो SDLC में, सॉरी SDLC में भी नहीं आता। वो सॉफ्टवेयर की जब रिक्वायरमेंट्स हम लोग गैदर कर रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाना कैसा है, कैसे करना है काम उस पर, तो उस वक्त ये सॉफ्टवेयर गैदरिंग जो है वो उस टीम का काम होता है जो अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। तो इसलिए टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं आ सकता। नेक्स्ट है, विच यूनिट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, सॉरी विच यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। कौन सा है यूनिट है जो इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को अपने पास रखती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को, वो होती है स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है वो किससे कंसिस्ट होती है? कैशे मेमोरी और रजिस्टर से, CPU रजिस्टर, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी और कैशे मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है वो कंसिस्ट होती है CPU रजिस्टर, मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी पे। नेक्स्ट है, MICR स्टैंड्स फॉर, MICR से क्या बनता है? मैजिक इन करेक्टर रीडू, मैजिक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीड रिकॉर्डर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर नन ऑफ दीज। तो MICR जो है वो बनता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट है, रोम इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एन इंटरनल प्रोग्राम कॉल्ड, रोम जो है वो स्टोर करता है इंटरनल प्रोग्राम को किसके थ्रू? इज कॉल्ड कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, OS वर्जन, कर्नल या फिर बूटस्ट्रैप लोडर। तो रोम जो है उसको, रोम इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग, रोम यूज़ होती है किसके लिए? इंटरनल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, किसमें? बूटस्ट्रैप लोडर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज़ लॉन्च बाय गूगल फॉर चैटिंग। इनमें से कौन सी है जो गूगल ने लॉन्च की है एप्लीकेशन फॉर चैटिंग? स्पाइक, आईमो, ALLO या फिर हाइक। तो गूगल स्टोर ने चैटिंग के लिए, गूगल ने जो चैटिंग के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है उसका नाम है ALLO। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। इनमें से कौन सी है जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML में? H3, H1, H5 या फिर H6। तो सबसे बड़ी जो है वो है H1 और सबसे छोटी जो है वो है H6। नेक्स्ट है, व्हाट इज हब? हब क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है? हब जो है वो है नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। हब नेटवर्क्स के साथ जुड़ा होता है, तमाम कंप्यूटर को एक हब के साथ भी हम जोड़ सकते हैं, तो ये नेटवर्क डिवाइस है। नेक्स्ट है, जावा इज़ इनिशियली कॉल्ड एज, जावा को इनिशियली का क्या कहा जाता है? OAK, ओक, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश टोपोलॉजी यूजेस ब्रिज, ठीक है, एक ही टोपोलॉजी है जो ब्रिज यूज़ करती है वो है बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, RDBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ, RDBMS होता क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। RDBMS इज कंसिस्ट ऑफ टेबल्स, टेबल्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, फोर टाइप ऑफ चेंज आर इनकाउंटर ड्यूरिंग द सपोर्ट फेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन दैट फॉल्स इन सच इन टू सच कैटेगरी, ठीक है। फोर टाइप्स जो हैं इनकाउंटर चेंज जो हैं वो इनकाउंटर होते हैं सपोर्ट फेज के अंदर, और इनमें से कौन सा है जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता? तो वो है ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ सोशल मीडिया ऐप, इनमें से कौन सी सोशल मीडिया ऐप नहीं है? व्हाट्सएप, फेसबुक और OLX में से कौन सी सोशल मीडिया ऐप नहीं है?
व्हाट्सएप भी चैटिंग के लिए यूज़ होती है और फेसबुक भी, जबकि OLX जो है वो सोशल मीडिया ऐप नहीं है। तो OLX करेक्ट ऑप्शन है। डिसीजन ट्री रीचेज इट्स टू इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग, डिसीजन ट्री जो है वो रीच करता है अपनी डेस्टिनेशन पे बाय यूजिंग सिंगल टेस्ट, एक ही टेस्ट करने से, टू टेस्ट डोर टाइप के टेस्ट करने से, सीक्वेंस ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सीक्वेंस ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने के बाद डिसीजन ट्री जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। विच एजेंट डील्स विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट, कौन सा एजेंट है जो डील करता है हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से, यूटिलिटी बेस्ड, मॉडल बेस्ड या फिर गोल बेस्ड। तो जो एजेंट डील करता है हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से वो है यूटिलिटी बेस्ड। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्कवर एरर्स इन द टेस्ट केस, इनमें से कौन सी है फॉलोइंग में से जो यूज़ की जाती है डिस्कवर एरर इन टेस्टिंग फेज के, उसमें से एरर डिस्कवर कर जाए टेस्टिंग फेज में, इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेशंस और प्रोसीजर प्रोसीडेंस, नॉन एग्जिस्टिंग लूप टर्मिनल्स या फिर कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन एग्जिस्टेंट लूप टर्मिनल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है, इन विच एनवायरनमेंट कैन वी परफॉर्म द बीटा टेस्टिंग, कौन से एनवायरनमेंट में हम बीटा टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, यूजर्स एंड डेवलपर्स एंड यूजर्स एंड या फिर नन ऑफ दीज। तो बीटा टेस्टिंग जो है वो हम कौन से एनवायरनमेंट में कर सकते हैं परफॉर्म, तो वो है यूजर्स एंड, ठीक है, यूजर्स जो हैं वो टेस्ट करें हमारे सॉफ्टवेयर को तो वो होती है बीटा टेस्टिंग, अगर डेवलपर टेस्ट करें तो उनको कहते हैं अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।